अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा तालबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। आओ अंग्रेज़ी सीखे। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेसन है, लेसन नंबर 2, तस्वीर के ज़रिए हरूफ की पहचान। सबसे पहले हमको तो हर्फ की पहचान करना बहुत ज़रूरी है, लेटर्स की पहचान करना बहुत ज़रूरी है कि कौन से लेटर्स की आवाज़ क्या निकल रही है, कौन से लेटर्स की आवाज़, कौन से हर्फ की आवाज़ क्या निकल रही है। तो यहाँ पर हर लेटर के ज़रिए से 4 से 5 यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं, 4 से 5 यहाँ पर अल्फाज दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, तो यहाँ ए की आवाज़ ए निकल रही है, क्या निकल रही है, ए, ए फॉर एप्पल। अब गौर करेंगे तो नीचे 4 लफ्ज़ और दिए हुए हैं, 4 वर्ड्स और दिए हुए हैं। तो इसमें ए फॉर आंट, ए फॉर आंट, तो आंट में ए की आवाज़ ओमद आ के जैसी निकल रही है, ओमद आ के जैसी निकल रही है। तो आवाज़ जो हर्फ की आवाज़ है, लेटर की आवाज़ है, उसके मुतालिक आगे हम जो है मुकम्मल एक यूनिट और एक लेसन लेने वाले हैं। अभी यहाँ पर हम जो सिर्फ तस्वीर के ज़रिए से हरूफ की पहचान करेंगे, ए फॉर एप्पल, ए फॉर आंट, ए फॉर एज, ए फॉर एक्स, ए फॉर एरो, ए फॉर एरो। अब देखेंगे दूसरा जो है बी, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, यहाँ पर 4 लफ्ज़ दिए हुए हैं, उसको देखेंगे और से, बी फॉर बॉक्स, बी फॉर बॉय, बी फॉर बेल, बी फॉर बेबी। अगला जो हर्फ है सी, लफ्ज़ दिए हुए, 4 वर्ड्स दिए हुए, सी फॉर कैप, सी फॉर कप, सी फॉर काउ, सी फॉर क्रो, सी फॉर क्रो। अगला जो हर्फ है डी, डी से देखेंगे, डी फॉर डोअर, इसको क्या पढ़ेंगे, डूर नहीं पढ़ेंगे, डोअर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डोअर का मतलब होता है दरवाज़ा। नीचे 4 लफ्ज़ दिए हुए, 4 वर्ड्स दिए हुए, डी फॉर डॉल, डी फॉर ड्रेस, डी फॉर डॉग, डी फॉर डक। अगला हर्फ है ई, ई फॉर आई, आई का मतलब होता है आँख, ई फॉर आइस, आइस का मतलब होता है आई, आई का मतलब होता है आँख। अलग से 4 वर्ड्स दिए हुए, ई फॉर ईयर, ई फॉर एग, ई फॉर ईस्ट, ई फॉर एलिफेंट। अब अगला हर्फ, अगला लेटर से एफ, एफ फॉर फैन, एफ फॉर फैन, अब उससे 4 वर्ड्स है, एफ फॉर फॉक्स, एफ फॉर फ्लैग, एफ फॉर फिश, एफ फॉर फ्रॉग, एफ फॉर फ्रॉग। अगला लेटर है जी फॉर गन, जी फॉर गन, गन का मतलब होता है बंदूक। अब यहाँ 4 वर्ड्स दिए हुए, उसके मुतालिक जी, जी के मुतालिक, जी फॉर गर्ल, जी फॉर गेट, जी फॉर गिफ्ट, जी फॉर ग्रीन। अगला लेटर है एच, एच फॉर हट, एच फॉर हट, हट का मतलब होता है झोंपड़ी। एच फॉर हैट, एच फॉर हैन, एच फॉर हॉर्स, एच फॉर हट। अगला लेटर है आई फॉर इंक, इंक का मतलब होता है स्याही, जो पेन के अंदर स्याही डालते हैं उसको क्या कहते हैं, इंक कहते हैं। अब अगले नीचे जो दिए 4 लफ्ज़ अलग से दिया हुआ है, एक्स्ट्रा दिया हुआ है, आई फॉर आयरन, आई फॉर आइस, आई फॉर क्रीम, सॉरी आइस, आइसक्रीम है पूरा एक ही वर्ड से, आइसक्रीम, और आई फॉर इंडिया, आई फॉर इंडिया। अब जैसे दिए हुए जे फॉर जग, जे फॉर जग, जे फॉर जीप, जे फॉर जंप, जे फॉर जैम, जे फॉर जोकर। अगला लेटर है के फॉर काइट, काइट का मतलब होता है पतंग, के फॉर किड्स, के फॉर किंग, के फॉर की, के फॉर किड्स। जितने भी यहाँ वर्ड्स पढ़े जा रहे हैं, तमाम बच्चे उन वर्ड्स को बहुत ध्यान से देखेंगे, उसको गौर से सुनेंगे और अपनी बयाज में तहरीर करेंगे। अगला लेटर है एल फॉर लॉक, लॉक का मतलब होता है क्लूप, जो ताला आता है अपना दरवाजे में लगाने के लिए। एल फॉर लॉयन, ये गलत लिखा हुआ है, लायन है वो, एल फॉर लायन इस तरह से आता है, एल आई ओ ओ एन, लायन। एल फॉर लैम, एल फॉर लीफ, एल फॉर लेग, एल फॉर लेग।
अगला जो लेटर है एम, एम फॉर मैंगो, एम फॉर मैंगो, मैंगो का मतलब होता है आम। नीचे चार वर्ड्स दिए हुए, एम फॉर मिल्क, एम फॉर मैन और एम फॉर माउस, एम फॉर माउस। अगला लेटर है एन फॉर नेस्ट, एन फॉर नेस्ट, नेस्ट कहते हैं घोंसले को, चिड़िया का जो घोंसला आता है उसको क्या कहते हैं, नेस्ट कहते हैं। एन फॉर निब, एन फॉर नेट, एन फॉर नोज, एन फॉर नेक, नेक का मतलब होता है गर्दन, नेक का मतलब क्या होता है, गर्दन। ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज, मौसम्बी को कहते हैं ओ फॉर ऑरेंज। अब ओ से जो ओ फॉर वन, ओ फॉर ऑल, ओ फॉर ऑयल, ओ फॉर ऑनियन, ओ फॉर ऑनियन। अब अगला लेटर है पी फॉर पेन, पी फॉर पेन, पी फॉर पेन, पी फॉर पॉट, पी फॉर पेपर, पी फॉर पैरट, पैरट क्या पढ़ेंगे इसको, पैरट, परोट नहीं पढ़ेंगे, पैरट पढ़ेंगे। क्यू फॉर क्वेश्चन, क्यू फॉर क्वेश्चन, सवालिया निशान। अब क्यू से जो अगला जो वर्ड्स दिए हुए, क्यू फॉर क्वीज, क्यू फॉर क्वीन, क्यू फॉर क्विट, क्यू फॉर क्विट। अगला लेटर है आर, आर फॉर रोज, रोज का मतलब होता है गुलाब। चार वर्ड्स एक्स्ट्रा दिए हुए, आर फॉर रेड, आर फॉर रेड, आर फॉर रीड और आर फॉर रिंग, आर फॉर रिंग। अगला लेटर है एस, एस फॉर स्टार, स्टार का मतलब होता है सितारे। एस फॉर सन, एस फॉर सी, एस फॉर स्नैक, एस फॉर शिप। अगला लेटर है टी फॉर ट्रेन, टी फॉर ट्रेन, रेलगाड़ी को कहते हैं ट्रेन। टी फॉर टी, टी फॉर टाइगर, टी फॉर टेन, टी फॉर टैप, टी फॉर टैप। अगला लेटर है यू, यू फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का मतलब होता है छतरी, जो बारिश के मौसम में इस्तेमाल करते हैं, अम्ब्रेला। यू फॉर यूज, यू फॉर अंकल, यू फॉर यूनिटी। अगला लेटर है वैन, वी फॉर वैन, वी फॉर वोट, वी फॉर विलेज, वी फॉर वायरस, वी फॉर वायरस। अगला लेटर है वी, डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर वॉच, वॉच का मतलब होता है घड़ी। W फॉर वाटर, W फॉर वेस्ट, W फॉर वर्ड। अगला लेटर है X, X फॉर एक्सरे, X फॉर एक्सरे, X फॉर जेरोक्स, X फॉर जेरोक्स, X फॉर एक्समस, X फॉर एक्समस, X फॉर सेबैक, क्या लिखा ये, सेबैक। अगला जो लेटर है वह हर्फ है, लेटर है Y, Y फॉर याच्ट, Y फॉर याच्ट, Y फॉर ईयर, Y फॉर यार्न, Y फॉर यस, Y फॉर यस। अगला लेटर है Z फॉर जिप, जिप का मतलब होता है चैन, जो पैंट के अंदर लगी रहती है या बस्ते में लगी रहती है, बहुत जगह हम, बहुत जगहों पर हम जो है जिप का इस्तेमाल करते हैं, चैन का इस्तेमाल करते हैं। Z फॉर ज़ीरो, Z फॉर ज़ू, Z फॉर ज़ोन, Z फॉर ज़ेबरा, Z फॉर ज़ेबरा। तो प्यारे बच्चों, लेसन नंबर दो में हमने जो है अंग्रेज़ी हरूफ तहजी के से जो बनने वाले जो वर्ड्स है, जो अल्फाज है, उसके मुतालिक हमने यहाँ मुकम्मल मालूमात हासिल किए हैं। तो प्यारे बच्चों, लेसन नंबर दो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, आइंदा नए लेसन के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।